जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा के चुनावी रण में उतरेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पंचकुला में आज रोड शो होगा। रोड शो में सीएम नायब सैनी मौजूद रहेंगे। प्रत्याशी बंतू कटारिया के पक्ष में यहां पर वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक भी होगी। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बड़ी जानकारी संयोजक समन्वयक बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक, और इस बैठक में कई तमाम दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। क्लस्टर इंचार्ज भी जेपी नड्डा की बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी कोर समिति की भी बैठक होगी। तो पूरी तरह से चुनावी समीकरण के साथ में यहां पर कोशिश की जाएगी। जेपी नड्डा की ओर से सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे बैठक में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। चुनावी समीक्षा के साथ आगामी रोड मैप पर होगी चर्चा। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। तो पंचकुला से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आज रोड शो की तैयारी है, बैठक का आयोजन भी है, वो यहां पर जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, तैयारियां किस तरह की है वहां पर? और बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो आज हरियाणा के चुनावी जो रण में जो है वो उतरने जा रहे हैं। वो पंचकुला से अपने आज के चुनावी रण कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो एक तरीके से करेंगे। पंचकुला में आज एक बड़ा भव्य रोड शो जो है वो आज आयोजित किया जाएगा, और इस दौरान उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अंबाला लोकसभा से जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की बंतू कटारिया, वो मौजूद रहेंगी। और इस रोड शो के जरिए लोगों से वोट की अपील भाजपा के उम्मीदवार के समर्थन में जेपी नड्डा करते हुए दिखेंगे। यहां पर तमाम तैयारी जो मुकम्मल की जा चुकी है। थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा जो है वो यहां पहुंचेंगे, और इसके बाद जो है वो इस रोड शो की शुरुआत होनी है। इसके अलावा आज पूरे प्रदेश की सभी 10 सीटों पर चर्चा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है। इस रोड शो के बाद जो है वो जेपी नड्डा हरियाणा के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ जो पार्टी की चुनावी रणनीति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आगामी दिनों में किस तरीके से चुनाव प्रचार अभियान को तेज किया जाएगा, बड़ी जनसभाएं जो केंद्र के स्तर के नेताओं की होनी है वो कहां कहां पर तय की जाए, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो बड़े नेता हरियाणा के चुनाव में प्रचार करने के लिए आएंगे, उनके लिए कहां कहां पर कार्यक्रम तय किए जाएं, किस तरीके से जो है वो रैलियों का आयोजन हो, इसको लेकर रणनीति बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक जो है पार्टी के नेताओं के साथ जेपी नड्डा करने वाले हैं। तो आज एक बड़ा दिन है, और बड़े दिन के तौर पर जेपी नड्डा जो है वो हरियाणा के चुनावी रण में प्रचार के लिए उतर रहे हैं, और पंचकुला में भव्य रोड शो के जरिए इस चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत जेपी नड्डा आज करने वाले हैं। पवन, आज भव्य रोड शो होगा, बैठक भी होगी, लेकिन यही इधर एक विपक्ष की ओर से लगातार फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है। तो क्या रोड शो से, बैठक से क्या कुछ समीकरण साधने की कोशिश, और जनता के बीच में किस तरह से संदेश देने की आप पर कोशिश की जाएगी जेपी नड्डा की ओर से? देखिए, फ्लोर टेस्ट की बात की जाए तो हरियाणा में अभी इस तरीके का कोई सियासी संकट नजर नहीं आता है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है वो जननायक जनता पार्टी के विधायक भी कर रहे हैं। 3 से 4 विधायक ऐसे हैं जो लगातार भाजपा का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में अगर कोई परिस्थिति बनती है तो भाजपा अपने खेमे में मजबूती के लिए संख्या बल को और ज्यादा प्रबल करने के लिए जो है वो अपनी रणनीति पहले से ही तैयार कर चुकी है। हालांकि एक सियासी चर्चाएं जरूर शुरू हुई है, माहौल जरूर बना है, जिस तरीके से 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन किया, इसके बाद राजनीतिक तौर पर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन असल जमीन पर सियासी गणित जो है वो भाजपा पहले से ही अपना मजबूत किए हुए है, इसलिए इस तरीके की कोई स्थिति फिलहाल हरियाणा में बनती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से जरूर चल रही है, लेकिन आज जो जेपी नड्डा हरियाणा के पंचकुला में चुनावी रण में प्रचार के लिए उतर रहे हैं उसमें एक भव्य रोड शो के जरिए जेपी नड्डा लोगों से वोट की अपील भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए करेंगे, और उसके बाद पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो जेपी नड्डा लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत पार्टी के हरियाणा के जो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। आने वाले दिनों में बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम किस तरीके से रहेंगे, चुनाव प्रचार अभियान को कैसे तेज किया जाए,
कौन कौन सी सीट पर और ज्यादा मजबूती के साथ प्रचार की जरूरत है, इस तरीके के तमाम मुद्दों पर समीक्षा जो है वो जेपी नड्डा करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश जो है वो नड्डा की तरफ से पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। जी पवन, एक चीज और कि यहाँ पर बीजेपी धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है और दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में अगर टिकट को देख ले तो उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में भी काफी लेट लतीफ हुआ और यहाँ पर किसी तरह के उस तरह के रोड शो नहीं, रैलियां भी इस तरह की नहीं, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार जो है वो तेज किया और इसकी वजह यह भी रही कि भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया और यही वजह है कि 80 के करीब विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या फिर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो जनसभाएं कर चुके हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर चुके हैं। हर स्तर पर प्रचार को तेजी के साथ और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने करने का प्रयास किया है और अब करीब 10 से 11 दिन का जो चुनाव प्रचार का समय बचा हुआ है, क्योंकि हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है, 23 मई की शाम को 5 बजे तक प्रचार का समय है। ऐसे में जो अगले 10-12 दिन है उन 10-12 दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी ताकत जो है वो चुनाव प्रचार में झोंकी जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो होने में देरी रही, यही वजह है कि अभी तक कांग्रेस का उस स्तर का चुनाव प्रचार नजर नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस भी मैदान में पसीना बहाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस ने भी तमाम नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा हुआ है। इसके साथ अगर हम जननायक जनता पार्टी की बात करें, इनेलो की बात करें या अन्य जो राजनीतिक दल जिन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हुए वो भी प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन 4 जून को जब नतीजे देश भर में लोकसभा चुनाव के आएंगे तब हरियाणा की 10 सीटों पर किसके चुनाव प्रचार का कितना असर होगा ये नतीजे साफ करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मई के महीने में तापमान बढ़ रहा है वैसे ही हरियाणा का सियासी टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब करीब चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल है वो अब अंतिम 2 सप्ताह में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए दिखेंगे। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकुला में रोड शो करेंगे और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिंह, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा के चुनावी रण में बीजेपी के दिग्गज भी उतरने लगे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। आपको बता दें कि आप सियासी समीकरण साधने की कोशिश बंतो कटारिया के पक्ष में आज वोट की अपील करते नजर आएंगे जेपी नड्डा।